जिस दिल के अंदर खशियतुल्लाह आ जाए, खशियतुल्लाह ही तो फिर अल्लाह है, खशियतुल्लाह ही तो अल्लाह है, और क्या है। तो अल्लाह ताला के साथ जो है वाबस्तगी उस वक्त ज़ाहिर होती है जब अल्लाह का कोई ऐसा हुक्म आ जाए, आपके पास चिट्ठी आ जाए ताकतवर की, और चिट्ठी एक्सपेक्टेड ना हो, और फिर कहा अच्छा जी मन्ना सदकना हम हाजिर हैं, वो कालू समय ना वाता ना वो फुराना, हम तो राजी हैं, हम हर हाल में राजी हैं। क्या लब्बैक या दावतुल हक, वहाँ लब्बैक कह दिया, देखा कि भैया वक्त आ गया तेरा तेरे साथी के जाने का, लब्बैक। बस वहाँ पर एक मकाम है, और ये मकाम ये ज़बरदस्ती किसी को दरवेश बनाने का है कि जो शख्स वली नहीं बनता उसको वली बना दो। बेचारा बनना चाहता है लेकिन बनने की कोई तरीका नहीं आता उसको कि कैसे बनता जाता है, सखावत पूरी नहीं कर सकता, गरीबी का ख्याल है, जाग सकता नहीं है, इबादत में कपच्चा पकड़ा जाता है प्रोग्राम, तो वली की थोड़ी सी हसरत है उसको प्रोग्राम दे के फौरी वली बना दी जाती है। एमरजेंसी कमीशन है ये, एमरजेंसी है, फौरी वली बना दो, गम उसके आपस आ गया, गम के अंदर जो सिमट गया और इताअत में चला गया वो अल्लाह के पास फौरी तौर पर हाजिर हो गया। तो इसलिए गम जो है अल्लाह की वो मेहरबानी है और जो आपको फौरी वली बनाती है। गम में परेशान नहीं होना, गम में घबराना नहीं है, गम को रीड करो, गम को महसूस करो, गम तकर्रुब इलाही है, गम बहुत ही अल्लाह ताला के कुर्ब का एक मकाम है। और गम में अगर दुरूसी निकले, गम में अल्लाह की याद निकले, सजदा हो और दुरूसी हो, बस समझो कि गम सरफराज कर गए, और जितने भी सरफराज हुए कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहरगाही। गम को अपनी पिछली रातों में ले जाओ, वली हो गए,